नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक से संबंधित जितने भी तथ्य एग्जामिनेशन हाल में बनते हैं दोस्तों, वो सारे तथ्यों को हम लोग कवर करेंगे। एक भी तथ्य ऐसा नहीं है जो छूट जाएगा, ठीक है। और पहली बार आप मेरे चैनल पे विजिट किए हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए और एक के बाद एक पॉलिटी से संबंधित जितने भी टॉपिक बनते हैं, हर टॉपिक पे आपको वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। और सारे तथ्य भी मिल जाएंगे जो एग्जामिनेशन हॉल में पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट मेरा देख लीजिए। उसके बाद जैसे ही वीडियो ख़त्म होता है, आप लोग MCQ ट्राई करिएगा सॉल्व करने का। जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं उसको ट्राई करिएगा कि उसको सॉल्व करें। और दोस्तों, मेरी गारंटी है कि आप मैक्सिमम प्रश्न को कर पाएंगे और आपको आज के बाद मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। चलिए हम बात करते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में। तो जैसा कि पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था, जब मैं राष्ट्रपति पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जो राष्ट्रपति होता है वो अपने कार्य जो हैं वो डायरेक्ट नहीं करता है, वो स्वतंत्र नहीं होता है, ठीक है। मंत्रिपरिषद के सलाह के आधार पे और प्रधानमंत्री के सलाह के आधार पे ही राष्ट्रपति अपने कार्यों का संपादन करता है, ठीक है। तो अब हम आगे बात करते हैं कि आर्टिकल 74 क्या कहता है, ठीक है। आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति के कार्यों के संपादन एवं सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा और इसी मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होता है उसे प्रधानमंत्री कहा जाता है, ठीक है। अर्थात जैसे देखिए, राष्ट्रपति के जो कर्तव्य होते हैं या जो अधिकार होते हैं उसका पालन कैसे करेगा, राष्ट्रपति जो है वो अपने कार्यों का संपादन कैसे करेगा, या वो अपने कार्यों को करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होता है। मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के सलाह के द्वारा ही वह अपने कार्यों को करता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो वास्तविक शक्ति है, जो भारतीय संविधान में जो वास्तविक शक्ति है, वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है, ना कि राष्ट्रपति के पास होती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 74, ठीक है, अनुच्छेद 74 के अनुसार, ठीक है, अनुच्छेद 74 के अनुसार क्या होगा दोस्तों, राष्ट्रपति एवं उसके कार्यों, ठीक है, क्या होगा अनुच्छेद 74 के अंतर्गत, ये क्या होगा, राष्ट्रपति के कार्य एवं सलाह के लिए क्या होगा मंत्रिपरिषद होगा, ठीक है, मंत्रिपरिषद, ठीक है। और इसी जो मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होता है, वो होता है प्रधानमंत्री, ठीक है। देखिए दोस्तों, इजी सा है, आप लोग चीज़ों को समझिए। देखिए अनुच्छेद 74 क्या कहता है, ठीक है, कि जो राष्ट्रपति है उसके कार्य एवं उसके कार्यों के संपादन और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, ठीक है। अर्थात राष्ट्रपति अगर जो कोई भी काम करेगा, ठीक है, या राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का पालन जब करने जाएगा तो उस स्थिति में मंत्रिपरिषद जो होगी उसको सलाह देगी या उसको बताएगी कि आपको इस प्रकार से काम करना चाहिए। तो मंत्रिपरिषद जो होगा वो राष्ट्रपति को क्या करेगा, बताएगा या उनको क्या करेगा, दिशा निर्देशित करेगा, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री दोनों मिला के, ठीक है। और इसी मंत्रिपरिषद का जो हेड होता है या जो प्रधान होता है उसी को प्रधानमंत्री कहते हैं, ठीक है, इतना आपको कन्फर्म हो गया होगा। चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। एक पॉइंट तो हमने ये देख लिया, एक पॉइंट और बनता है दोस्तों कि देखिए, जैसे राष्ट्रपति
जैसे अब हमको ये यहाँ पे देखना होगा कि जो प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति कौन करेगा, ठीक है। तो देखिए, राष्ट्रपति जो होता है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, उसके बाद जब प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है तो प्रधानमंत्री की सलाह पे इसी मंत्रिपरिषद का गठन राष्ट्रपति करता है, यानी इसी मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति चुनता है, ठीक है। देखिए, राष्ट्रपति क्या करता है, पहले प्रधानमंत्री को चुनता है, और कैसे प्रधानमंत्री को चुनेगा, जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा, ठीक है, जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा उसे ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में चुनेगा। और जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को चुन लेगा, प्रधानमंत्री की पोस्ट आ जाएगी, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देगा कि हमारे मंत्रिपरिषद में आप किसको किसको शामिल करिए या किसको किसको मंत्री बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वही अगला पॉइंट है, ठीक है। ये जो आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति के कार्य एवं सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा और इसी मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होगा वो प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आर्टिकल जो है 75, ठीक है, ये 74 की बात हो रही थी, लेकिन आर्टिकल 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। राष्ट्रपति क्या करेगा, 75 में क्या कहा गया है दोस्तों, देखिए 75 में कहा गया है राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करेगा। 75 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है वो नियुक्ति करेगा, ठीक है, किसकी नियुक्ति करेगा, वो करेगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, ठीक है। और यही जो प्रधानमंत्री हैं, ये प्रधानमंत्री सलाह देंगे राष्ट्रपति को, और तब ये जाके राष्ट्रपति क्या करेगा, मंत्रिपरिषद का गठन करेंगे, यानी मंत्रिपरिषद बनाएंगे, या मंत्रिपरिषद में कौन कौन से सदस्य होंगे इनका चुनाव करेंगे। चलिए दोस्तों देख लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे। अनुच्छेद 74 क्या कहता है, देखिए अक्सर पूछता है, ठीक है। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति के कार्यों के संपादन एवं उसको सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, और मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होगा वो प्रधानमंत्री होगा। और अनुच्छेद 75 कहता है कि राष्ट्रपति जो होगा वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, ठीक है, और प्रधानमंत्री की जब नियुक्ति कर लेगा राष्ट्रपति, तो प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति को सलाह देगा कि मंत्रिपरिषद का आप गठन करिए, या जो नाम प्रधानमंत्री रिकमेंड करेगा उसी नाम को राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद में शामिल करेंगे। एक प्रश्न यहाँ ये आता है दोस्तों कि जो प्रधानमंत्री होता है उनका चुनाव होता है या उनकी नियुक्ति होती है क्या होता है, एग्जामिनेशन हॉल में पूछ देगा, और बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है कि राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, एग्जामिनेशन हॉल में पूछ देता है कि प्रधानमंत्री का चुनाव होता है या नियुक्ति होती है, ठीक है। तो हमेशा आप याद रखिएगा कि जो प्रधानमंत्री होता है उसकी नियुक्ति होती है, ना कि उसका चुनाव और अन्य विधि से उसका चयन होता है। चलिए इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे, ठीक है। देखिए दो पॉइंट बना लीजिए। चलिए दोस्तों, जैसे मैं नोट डाउन कर रहा हूँ वैसे आप लोग नोट डाउन करते चलिए, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। अब देखिए एक बात यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि ठीक है, मंत्रिपरिषद का तो गठन होगा, ठीक है, लेकिन जैसे आपको सबको पता है कि मंत्री का पद जो है वो सबको बहुत ही प्यारा है, ठीक है, सभी नेता चाहते हैं कि उनको मंत्री का पद मिल जाए, ताकि उनके पास कुछ सरप्लस या उनके पास कुछ एडिशनल अधिकार आ सकें, ठीक है, कुछ एडिशनल वो कर सके। लेकिन हमारे संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया है कि जितने भी लोकसभा सदस्य होंगे उनके 15% से ज़्यादा, ठीक है, 15% से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, मंत्रियों की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि लोकसभा में अप्रॉक्सीमेटली 100 लोग हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है,
तो आप 15 से ज़्यादा लोगों को मंत्री के रूप में आप नियुक्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा कि मंत्री परिषद होता है इज इक्वल टू कुल लोकसभा सदस्य का 15%, ठीक है। जो मंत्रिपरिषद होता है वो कुल लोकसभा सदस्य का केवल 15% होता है। इसके बाद आप नहीं बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट आता है दोस्तों कि मंत्री जो है वो कब तक अपने कार्यों का निर्वहन कर सकते हैं, यानी एक मंत्री है अगर जो उसको मंत्री का पोस्ट मिल गया है तो वो कितने समय तक, ठीक है, एक मंत्री के रूप में काम कर सकता है। तो देखिए, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक वह एज अ मंत्री के रूप में कार्य कर सकता है, और राष्ट्रपति कब तक चाहेगा, जब तक कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कहेगा कि हाँ ठीक है, ये लोग मंत्री बनाए रहे जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि ये मंत्री जो होते हैं, ये प्रसाद पर्यंत पद पे रहते हैं, किसके, राष्ट्रपति के। यानी राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक ये मंत्री अपने पद पे रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 75 में। आर्टिकल 75 में एक बहुत ही अच्छी चीज़ कही गई है कि जो मंत्री परिषद होती है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। प्रश्न पूछता है कि मंत्री परिषद, अगर जो आप लोग कंपटीटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि जो मंत्री परिषद होता है वो किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो वो उत्तरदायी होता है दोस्तों लोकसभा के प्रति, और यही पूछ देगी जो मंत्री परिषद होता है, जो मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं व्यक्तिगत रूप से, और सामूहिक रूप से पूछ दे तो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। चलिए एक चीज़ हमने यहाँ पे ये देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा दोस्तों, देख लीजिए एक बार रिवाइज कर लीजिए। हमने पढ़ा कि आर्टिकल 74 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा, ठीक है, और उस मंत्री परिषद का जो प्रधान होगा वो प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। और जब देखिए राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, राष्ट्रपति क्या करेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, और जब प्रधानमंत्री नियुक्त हो जाएगा तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देगा कि आप मंत्री परिषद में इन लोगों को शामिल करिए या आप इन लोगों को मिला के मंत्री परिषद का गठन करिए, ठीक है। पिछले स्लॉट में हम लोगों ने वो पढ़ा था। फिर आगे हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो मंत्री परिषद है उसमें कितने सदस्यों को शामिल किया जा सकता है, यानी कितने लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। तो लोकसभा में जो कुल सदस्य होते हैं उनका केवल 15% लोगों को ही मंत्री परिषद में शामिल किया जा सकता है, और जो मंत्री होते हैं वो प्रसाद पर्यंत पद पे बने रहते हैं राष्ट्रपति जब तक चाहे। और आर्टिकल 75 कहता है कि मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। अब चलिए हम बात करेंगे दोस्तों शपथ के बारे में कि ये जो हमारे प्रधानमंत्री हैं और जो
जो हमारे प्रधानमंत्री हैं और जो हमारे मंत्रिपरिषद के लोग होते हैं वो किसके प्रति शपथ लेते हैं? वो शपथ लेते हैं दोस्तों राष्ट्रपति के प्रति, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, प्रश्न पूछता है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद किसके समक्ष शपथ लेते हैं? तो वो लेते हैं दोस्तों किसके प्रति, वो लेते हैं आपके राष्ट्रपति के समक्ष वो शपथ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग इतना नोट डाउन करिए। ठीक है, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे वैसे ऐसे आप लोग करते चलिए। ठीक है, देखिए एक चीज़ें यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो रही हैं कि अगर जो किसी व्यक्ति को मंत्रिपरिषद में शामिल कर दिया गया, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को मंत्रिपरिषद में शामिल कर दिया गया, ठीक है, तो क्या उसको किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी है? जैसे आप सदन से क्या आशय है, लोकसभा या राज्यसभा का सदन के लोकसभा या राज्यसभा के सदन का सदस्य होना जरूरी है कि नहीं है? ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि अगर जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री चाहें तो किसी भी व्यक्ति को वो क्या कर सकते हैं, मंत्रिमंडल में शामिल कर सकते, सॉरी मंत्रिपरिषद में शामिल कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है कि 6 महीने के अंतर्गत उनको राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है। ठीक है, वो लोकसभा के सदस्य तो नहीं बन पाएंगे, ठीक है, क्योंकि लोकसभा का जो चुनाव होता है वो 5 वर्षों में एक बार होता है। तो लेकिन राज्यसभा में अगर जो रूलिंग पार्टी चाहे तो आपको राज्यसभा के लिए नॉमिनेट कर सकती है और राज्यसभा को आपको सदस्यता दे सकती है। ठीक है, तो देखिए क्या है कि आप मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकते हैं लेकिन 6 महीने के अंदर आपको राज्यसभा की सदस्यता को ग्रहण करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 2014 का जो लोकसभा था उसमें अरुण जेटली जी जो थे वो क्या थे, वो लोकसभा सदस्य नहीं थे और ना ही वो राज्यसभा सदस्य थे, इसके बावजूद उनको मंत्री का पद दे दिया गया था और 6 महीने के पहले पहले उनको राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया था। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम मूव करेंगे दोस्तों। ठीक है कि इनके आवास के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आवास जो होता है राष्ट्रपति और राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद का, ये होता है निःशुल्क। ठीक है, मंत्रिपरिषद का जो आवास होता है वो निःशुल्क होता है। चलिए वो पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए जो अभी हमने पीछे बताया है। ठीक है कि आप मंत्रिपरिषद में आपकी नियुक्ति की जा सकती है लेकिन 6 महीने के अंदर आपको मंत्रिपरिषद ठीक है, मंत्रिपरिषद में आपकी नियुक्ति एक ही की जा सकती है, लेकिन अगर जो आप राज्यसभा या लोकसभा सदस्य नहीं हैं तो 6 महीने के भीतर सदस्यता आपको लेनी चाहिए। ठीक है, 6 महीने के भीतर आपको सदस्यता लेनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए इतना नोट डाउन करिए फिर हम आगे मूव करेंगे। चलिए एक प्रश्न और आता है यहाँ पे दोस्तों कि अगर जो लोकसभा का कोई सदस्य है, ठीक है, लोकसभा का किसी भी सदस्य पे यानी किसी भी मंत्री पे कहिए, चाहे सदस्य ही कह सकते हैं, मंत्री ही बोलेंगे। ठीक है कि लोकसभा किसी एक मंत्री पे, ठीक है, लोकसभा किसी एक मंत्री पे अगर जो अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देता है, ठीक है, तो संपूर्ण लोकसभा सदस्य को क्या करना चाहिए, त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक है, यानी मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ेगा। चलिए इतना नोट डाउन करिए फिर हम आगे मूव करेंगे। चलिए देखिए अब एक पॉइंट बनता है कि जो मंत्री होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, मंत्रियों की श्रेणी कितनी होती है यानी कितने प्रकार के मंत्री हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो मंत्री होते हैं दोस्तों वो 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। ठीक है,
एक कैबिनेट मिनिस्टर होता है, कैबिनेट मंत्री होते हैं, आप सबको पता होगा, जो कि प्रमुख होता है। कैबिनेट मंत्री एक होते हैं कैबिनेट मंत्री, ठीक है। दूसरे होते हैं राज्य मंत्री, और जो तीसरे होते हैं वो होते हैं उपमंत्री, ठीक है। तो अभी हम लोग एक एक करके आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, यही कैबिनेट मंत्री प्लस प्रधानमंत्री, ठीक है, प्लस प्रधानमंत्री, ये कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं दोस्तों? मंत्रिमंडल बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चीज़ों को आप समझिएगा। हम लोग हमेशा न्यूज़ में सुनते हैं कि मंत्रिमंडल की बैठक हुई। हम लोग अक्सर न्यूज़ में सुनते हैं कि मंत्रिमंडल की बैठक हुई। तो अब इस मंत्रिमंडल से क्या आशय है कि जो कैबिनेट मंत्री होंगे, और यही प्रमुख होते हैं, कैबिनेट मंत्री ही प्रमुख होते हैं, तो कैबिनेट मंत्री प्लस प्रधानमंत्री से मिलके क्या बनता है? मंत्रिमंडल। और यही मेजॉरिटी चीज़ों को एसेस करती है, या यही मेजॉरिटी नंबर आप चीज़ों को क्या करता है, डिसीजन उस पे लेता है, ठीक है। तो मंत्री, कैबिनेट मंत्री प्लस प्रधानमंत्री मिलके मंत्रिमंडल बनता है, ठीक है। और इसी मंत्रिमंडल की बैठक हम लोग अक्सर न्यूज़ में सुना करते हैं कि मंत्रिमंडल की बैठक हुई है, ठीक है। चलिए देखिए, ये जो प्रधानमंत्री होता है ना दोस्तों, प्रधानमंत्री अगला पॉइंट है, ठीक है। अभी हम लोग राज्य मंत्री और उपमंत्री और कैबिनेट मंत्री के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही सब विस्तार से पढ़ेंगे कि इनको क्या सुविधाएं दी जाती हैं, ठीक है, इनके कार्य क्या होते हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, जो प्रधानमंत्री होता है दोस्तों, ठीक है, ये जो प्रधानमंत्री होता है, ये लोकसभा का नेता होता है। ये क्या होता है? लोकसभा का नेता होता है। एग्जामिनेशन में पूछता है कि जो लोकसभा का नेता है वो कौन होता है? वो होता है प्रधानमंत्री, ठीक है। अब यही राष्ट्रपति को सत्रावसाहन तथा सत्र को आहूत करने की सलाह देता है। यही जो लोकसभा का नेता होता है, यानी जो प्रधानमंत्री होता है, ये राष्ट्रपति से ये कहता है कि आप सत्र की शुरुआत करिए या सत्र को आप स्थगित करिए। चलिए, इतना नोट डाउन करिए, फिर हम आगे मूव करेंगे। देखिए, चलिए एक पॉइंट और बता देते हैं कि प्रधानमंत्री जो होता है वो लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। जैसे देखिए, जो प्रधानमंत्री होता है ना दोस्तों, वो क्या करता है? लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है, ठीक है। तो जो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री क्या करता है? लोकसभा विघटन की सलाह किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति को कहता है कि आप लोकसभा विघटित कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि जो मंत्री होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। कैबिनेट मंत्री प्लस प्रधानमंत्री इनके मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं, और जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा का नेता होता है, और यही राष्ट्रपति को सलाह देता है, ठीक है। और प्रधानमंत्री जो होता है वो लोकसभा विघटित करने का सलाह भी दे सकता है किसको? राष्ट्रपति को। चलिए, इतना नोट डाउन कर लीजिए, हम आगे मूव करेंगे। दोस्तों, एक एक पॉइंट को नोट करते जाइएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे मूव करते हैं कि देखिए,
एक प्रश्न आता है कि सरकार की नीतियों का घोषणा कौन करता है, ठीक है, कि सरकार की नीतियों की घोषणा करने का अधिकार किसको है या करता कौन है, तो वो करता है प्रधानमंत्री, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, नीतियों की घोषणा, नीतियों की घोषणा, सरकार की नीतियों की घोषणा कौन करता है, वो करता है प्रधानमंत्री, ठीक है। प्रधानमंत्री सरकार की नीतियों की घोषणा करता है, चलिए ठीक है। अब देखिए, ये जो प्रधानमंत्री जो होता है दोस्तों, ये अध्यक्ष होता है, ठीक, सॉरी, हाँ ठीक है, ये प्रधानमंत्री जो होता है वो कुछ जगहों पे अध्यक्ष होता है, और वो किन किन जगहों पे अध्यक्ष होता है या किन किन पोस्टों का अध्यक्ष होता है, वो होता है नीति आयोग का, ठीक है। पहला हो गया नीति आयोग, नीति आयोग, पहले ये योजना आयोग था, अब नीति आयोग हो गया है। दूसरा होता है दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद। तीसरा जो होता है दोस्तों, वो होता है अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, ठीक है। जो चौथा है दोस्तों, वो होता है राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन, ठीक है, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, ठीक है। चलिए, इतना देख लिए हम लोग कि जैसे देखिए, सरकार की नीतियों की घोषणा कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है, और प्रधानमंत्री किन किन आयोगों का अध्यक्ष होता है, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, ठीक है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, जो प्रधानमंत्री होता है दोस्तों, वो एक प्रश्न पूछता है कि ये बताइए कि राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के मध्य कड़ी का काम कौन करता है, ठीक है। क्योंकि ये बात जाहिर सी है कि मंत्री परिषद के प्रत्येक सदस्य पर्सनली तो राष्ट्रपति से मिल नहीं पाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि पर्सनली राष्ट्रपति से रोज़ मिलेंगे, क्योंकि मंत्री परिषद की संख्या बहुत ही ज़्यादा होती है। तो मंत्री परिषद और मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के मध्य कड़ी के रूप में कौन काम करता है, वो करता है प्रधानमंत्री, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे एक फ्रेश पॉइंट नोट करिएगा कि राष्ट्रपति, ठीक है, और मंत्री परिषद के मध्य कड़ी का काम प्रधानमंत्री करता है, ठीक है। राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के मध्य जो कड़ी का काम करता है, वो करता है प्रधानमंत्री, ठीक है। प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति की बात मंत्री परिषद को पहुंचाता है, और मंत्री परिषद की बात राष्ट्रपति को पहुंचाता है, ठीक है। चलिए, इतना नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। दोस्तों प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट कर देंगे तो हमको मोटिवेशन भी मिलेगा, और मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाने का प्रयास करूँगा, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बहुत ही दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। देखिए, जो प्रधानमंत्री होता है दोस्तों, वो कुछ पोस्ट ऐसे होते हैं कि प्रधानमंत्री उसकी नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को सलाह देता है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री निम्न पदों के लिए
राष्ट्रपति को सलाह देता, राष्ट्रपति को सलाह देता, यानी प्रधानमंत्री के अनुसार ही ये पद सृजित किए जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के अनुसार ही ये पद सृजित किए जाएंगे, लेकिन ये जो पद को सृजित करने का काम करेगा वो राष्ट्रपति करेगा, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। जैसे भारत का महान्यायवादी, ठीक है, पहला है भारत का नाम महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी, ठीक है, भारत का महान्यायवादी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। पूछ लेता है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन किसकी सलाह पे करेगा, प्रधानमंत्री की सलाह पे करेगा, ठीक है। अगला जो पॉइंट इसमें बनता है दोस्तों, वो पॉइंट बनता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति कौन करेगा, भारत के महालेखा परीक्षक और नियंत्रक की जो नियुक्ति करेगा वो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन किसकी सलाह पे करेगा, प्रधानमंत्री की सलाह पे करेगा, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की बात करें, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसकी सलाह पे करेगा, प्रधानमंत्री की सलाह पे करेगा, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं दोस्तों, कि चुनाव आयुक्त, ठीक है, चुनाव आयुक्त, ठीक है, चुनाव आयुक्त की भी नियुक्ति जो करेगा वो करेगा राष्ट्रपति, लेकिन किसकी सलाह पे, प्रधानमंत्री की सलाह पे, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम बात करते हैं, एक फ्रेश पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। अगला जो पॉइंट बनता है दोस्तों वो ये बनता है कि प्रधानमंत्री की, देखिए देखिए, ठीक है, जो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, वो किसी भी मंत्री को ये कह सकता है कि आप त्यागपत्र दे दीजिए। अगर जो प्रधानमंत्री को ऐसा लगता है कि ये पर्टिकुलर मंत्री जो है ये वो काम अपने कार्यों का निर्वहन ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा है, तो प्रधानमंत्री क्या कर सकता है कि उसको कह सकता है कि ठीक है आप त्यागपत्र दे दीजिए, ठीक है, और नहीं तो वो क्या करेगा, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति को सलाह देगा कि वह मंत्री, एक पर्टिकुलर मंत्री, वह अपने कार्यों का निर्वहन अच्छे से नहीं कर रहा है, उसको बर्खास्त कर दीजिए, ठीक है। तो मंत्री का बर्खास्त करने की सलाह भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देता है, ठीक है। चलिए इतना नोट डाउन करिए, फिर अब हम आगे मूव करेंगे कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट की तरफ, ठीक है। एक प्रश्न पूछता है दोस्तों, मॉडरेट लेवल के एग्जामिनेशन में पूछ देता है, या कभी कभी छोटे एग्जामिनेशन में भी देखने को मिलता है, कि सबसे बड़ा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का। अब यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, नोट करके कुछ पॉइंट लिख लीजिए जो एग्जामिनेशन हाल में आते हैं, ठीक है। किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे बड़ा रहा है, ठीक है, सबसे सर्वाधिक बड़ा कार्यकाल, ठीक है, किस प्रधानमंत्री का सर्वाधिक बड़ा कार्यकाल रहा है। तो आप लोग को पता होगा कि जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे श्री जवाहरलाल नेहरू, उनका कार्यकाल सबसे बड़ा था, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू इनका कार्यकाल सबसे ज़्यादा रहा, और ये कितने वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में बने रहे दोस्तों, 16 साल 9 महीने 12 दिन, ठीक है, 16 साल 9 महीने
और 12 दिन, ठीक है, 16 साल 9 महीने और 12 दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट बनता है दोस्तों कि प्रथम महिला प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रथम महिला प्रधानमंत्री, प्रथम महिला, प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो थी वो थी दोस्तों इंदिरा गांधी, आपको सबको पता होगा, ठीक है। वो कौन थी? वो थी इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। और एक प्रश्न यहाँ पूछता है दोस्तों कि जब इंदिरा गांधी प्रथम बार प्रधानमंत्री बनी थी तो उस टाइम वो कहाँ की सदस्य थी, लोकसभा की सदस्य थी कि कहाँ की सदस्य थी? तो प्रथम बार जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी थी तो उस टाइम वो राज्यसभा सदस्य थी, ठीक है, ना कि वो लोकसभा सदस्य थी, ठीक है। चलिए, लोकसभा में एक प्रश्न पूछ देता है कि लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हुए जो लोकसभा में कभी उपस्थित नहीं हुए, ठीक है, लोकसभा में उपस्थित, ठीक है। एक प्रश्न ये पूछता है कि लोकसभा में ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो उपस्थित नहीं हुए? वो थे चौधरी चरण सिंह, ठीक है। तो आप लोग इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है, कि चौधरी चरण सिंह, यानी उन्होंने अपना चरण लोकसभा में रखा ही नहीं, ठीक है, चौधरी चरण सिंह, ठीक है, चरण सिंह, ठीक है। एक प्रश्न और आता है दोस्तों कि विश्वास मत प्राप्त करने में असफल प्रधानमंत्री कौन रहे, ठीक है, विश्वास मत से असफल कौन रहे? विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि विश्वनाथ प्रताप सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो विश्वास मत को प्राप्त नहीं कर पाए, ठीक है। आगे हम मूव करेंगे दोस्तों कि सर्वाधिक कम कार्यकाल किसका रहा? तो वो अटल बिहारी वाजपेयी का रहा, अटल बिहारी जी ये केवल 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने रहे, इन्हीं का कार्यकाल सबसे कम रहा, ठीक है। एक प्रश्न आता है कि कैबिनेट मंत्रियों में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा, ठीक है। तो कैबिनेट मंत्रियों में सबसे लंबा कार्यकाल जो रहा वो रहा जगजीवन राम का, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कैबिनेट मिशन में आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि कैबिनेट मंत्री में सबसे लंबा कार्यकाल जो रहा वो रहा जगजीवन राम का, और वो रहे 32 साल तक कैबिनेट मिनिस्टर बने रहे। लेकिन अगर जो आपसे पूछ दे कि ऐसा कौन सा कैबिनेट मिनिस्टर है जो किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में लंबे समय तक मंत्री के पद पे बनी रही, वो रही अमृता कौर, ठीक है, राजकुमारी अमृता कौर, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए, दो पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। पहला पॉइंट हमने क्या बताया कि सर्वाधिक लंबा पीरियड किसका रहा एज अ मंत्री? जगजीवन राम का, आप लोग नोट डाउन करिए, ठीक है। दूसरा मैंने बताया कि किसी एक ही डिपार्टमेंट में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका रहा? राजकुमारी अमृता कौर का, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ शेयर भी कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों तो मैं बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लाने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।